28 की हूँ और 2005 में मैं 15 ईयर्स की थी। एक लड़का था जो 32 ईयर्स का था, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया था और जब मैंने मना किया तो उन्होंने और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने मिलके मेरे ऊपर एसिड अटैक किया। वो लोग एक ग्लास में एसिड लेके आए थे और उसके बाद जब मैं अपने घर से निकली, निकलने के बाद वहाँ पे मेरे को प्रॉपर वो लोग फॉलो कर रहे थे। और मैं जैसे ही मैं दिल्ली से ही ब्लॉग करती हूँ, मैं बहुत सारे लोग अगर दिल्ली गए हो और वहाँ पे खान मार्केट मेट्रो स्टेशन देखा हो वहीं पे बाहर, आज से पहले वहाँ मेट्रो नहीं थी 2005 में और अभी मेट्रो स्टेशन है, तो आज के मुकाबले पहले वहाँ बहुत क्राउड रहा करता था। तो मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँची, अचानक वो लोग आते हैं और वो लेडी मेरे फेस पे हाथ रखती है, मुझे ज़मीन पे धक्का मारती है और ग्लास में ऐसे लेके आते हैं और डायरेक्टली मेरे फेस पे डालते हैं। मैं कुछ सोच नहीं पाई, समझ नहीं पाई, मैं अचानक से बेहोश हो गई और आई फील कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को सपना देख रही हूँ मैं कोई, और बहुत पेनफुल था और वो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सपने में हूँ। लेकिन अचानक जब मुझे होश आया तो मैं बहुत तड़प रही थी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था किसी ने मेरे ऊपर आग लगा दिया हो प्रॉपर पूरी बॉडी पे। और मैं 3 बार रोड पे गिरी और दूसरे रोड पे गई, वहाँ पे मेरा कार एक्सीडेंट भी हुआ और वहाँ पे अगर बस आती तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं हो पाती। और उस टाइम पे ये सारा हादसा एक अरुण सिंह करके हैं, वो देख रहे थे, लोगों ने पूरा ग्राउंड बना लिया और मुझे घेरे में कर लिया और कोई हेल्प नहीं कर रहा था, सिर्फ तमाशा देख रहे थे लोग। और मैं बहुत हाथ जोड़ जोड़ के, जिन्होंने कार से मुझे मारा उनके आगे मैंने हाथ जोड़ा, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। लोग मुझसे भाग रहे थे या मैं उनके पैर पकड़ रही थी, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो जब आए और आने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा और जब मैंने बताया कि मैं यहीं पे रहती हूँ और उन्होंने ये सारी चीज़ें, PCR को बुलाया और PCR जब मुझे लेके जा रही थी RML हॉस्पिटल, तो मैं अपने आप को देख रही थी, मेरी स्किन जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन जला देते हैं ऐसे मेल्ट हो रही थी। मेरे दोनों हाथ मेल्ट हो रहे थे प्रॉपर, मेरा ये वाला हाथ प्रॉपर बर्न है और इसी हाथ की वजह से मेरी आँखें बच गई। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची, मेरे लिए बहुत पेनफुल था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके से कभी हॉस्पिटल देखा ही नहीं था। और वहाँ पे जब मैं पहुँची तो मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया और जब मेरे पापा मम्मी आए, मैंने अपने पापा को गले लगाया तो मेरे पापा की पूरी शर्ट बर्न हो गई थी। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मैं अब नहीं बचूंगी, 45% बर्न था। और उसके बाद ऐसी लगातार बहुत सारी चीज़ें चली, 2 ऑपरेशन मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ लेकिन बहुत पेनफुल था मेरे लिए क्योंकि मेरे को होशो आवाज में मेरी आँखों को सिला गया। और उस टाइम पे मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी, मुझे नहीं पता था कि एसिड क्या होता है। 2.5 महीने के बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर अपने घर गई तो मैं शीशा देखना चाहती थी और मुझे फील होता था कि मुझे शीशा देखना है, मुझे क्यों नहीं देखने दिया जा रहा है। मेरे घर से पूरे शीशे हटा दिए गए, फ्रेम्स हटा दिए गए, तो मैंने कोशिश किया कि मैं पानी में अपना चेहरा देखूं, वो भी नहीं करने दिया गया। फिर उसके बाद किसी भी तरीके से मैंने अपने फेस को देखा, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था क्योंकि आज आप लोग मुझे देख सकते हैं, ये बात मैं खुद भी कहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत नॉर्मली देख सकते हैं, मेरी 7 सर्जरी के बाद ऐसा फेस आया है। और मेरा फेस इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मेरी आँखें निकल गई थी, मेरा लिप्स ख़राब हो गया था और एकदम जो नेचुरल एक गॉड गिफ्ट होता है फेस, वो सब बर्बाद हो चुका था। फिर बैक टू बैक बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं एक 1.5 साल की बच्ची बन गई थी और मेरे लिए बहुत बुरी जर्नी थी वो, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए तो उनका रिएक्शन बहुत ख़राब था, मिलके वो चले गए और उन्होंने कहा जैसों के साथ वैसे ही होता है। और उसके बाद फिर मेरे जो आस पड़ोस के लोग आए
उनका रिएक्शन तो कुछ और ही था। उन्होंने बोला कि शादी कैसे होगी, एसिड डालना था बॉडी के किसी और पार्ट में डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, शादी कैसे होगी, हाथ काट दिया होता, गोली मार दिया होता, जान से मार दिया होता। ये रिएक्शंस लोगों के थे, बेचारी लड़की अब आगे क्या करेगी, ये सोसाइटी के रिएक्शंस थे। सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और मैं अपने घर में अकेली पड़ गई थी, मेरे रिलेटिव्स ने साथ छोड़ दिया। बट लकली मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा रहा, मेरे पापा की बॉस ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली, मेरी जो लॉयर है अपर्णा भट्ट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ा। मुझसे पूछा गया कि तुम एसिड के बारे में क्या सोचती हो लक्ष्मी, तो मुझे ये फील हुआ कि एसिड बिकना नहीं बंद हो सकता है। तब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIR डाला कि एसिड को बेचना बंद किया जाए, तो उसका रिजल्ट 2013 में आया। जैसा आप लोग सबको पता है ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिक सकता है, जो भी बेचेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो खरीदेगा उसके पास ID प्रूफ होना चाहिए। लेकिन 2005 से 2009 तक मैं ऐसी ही चलती रही, मैं फेस कवर करके चलती थी। 2007 में मैंने 10th में एडमिशन लिया और उस वक्त में वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप मेरे को, सब लोगों ने बोला कि आप रेगुलर स्कूल जाओ लक्ष्मी, तो मेरे को लगा कि नहीं मैं रेगुलर स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि जो वो हिम्मत थी वो हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी उन लोगों को फेस करना, जो लोग हैं जिन्होंने चेहरे को बहुत इम्पॉर्टेंट बना रखा है, क्योंकि मेरे आसपास वो सारी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ। फिर उस वक्त में मैंने 10th में एडमिशन लेके कैसे भी करके मैंने किया, तो वहाँ पे जो 10th की टीचर थी उन्होंने कहा कि लक्ष्मी आप ऐसे फेस ढक के आती हो, आप एक काम करो, आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है, आप बुरखा पहन के आया करो, बुरखा ले लो। तब मैंने हाफ बुरखा लिया और मैंने तुरंत उसको पहनना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे लिए वो ईजी था। 2009 में एक मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था, वो अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगा, इसलिए क्योंकि मैं टेलरिंग मैंने स्टार्ट की, ब्यूटिशियन स्टार्ट किया और बेसिक कंप्यूटर मैंने स्टार्ट किया। और जब मैं ये सब कर रही थी तो मैं अपनी ड्रेसेस खुद बना रही थी, तो उस टाइम पे मुझे ये फील हुआ कि मैं ये ड्रेसेस क्यों पहन रही हूँ जब मेरा फेस ही कवर रहता है। तो मुझे खुद से प्यार होने लगा धीरे धीरे करके, मुझको अपनी चेहरा बहुत अच्छा लगने लगा, तो मुझे फील हुआ कि नहीं मैं फेस कवर करके नहीं चलूँगी। मैंने अपनी टीचर से पूछा, अपनी मम्मी से पूछा कि क्या मैं फेस ओपन करके चल सकती हूँ, तो उन्होंने कहा फेस हमें नहीं आपको ओपन करना है, तो आप देखो आपको क्या कैसा लगता है। तब मैं फेस ओपन करके चलने लगी और उस टाइम पे बहुत बुरे बुरे रिएक्शंस थे मेरे साथ। लोगों ने कहा पीछे से तो बहुत अच्छी लगती है, सामने से तो बहुत डरावनी लगती है, बच्चे देख के डर जाएंगे, बच्चे तो मासूम होते हैं ना, उनका उनको डर क्या है, नहीं क्या है, हाँ क्या है, वो तो हम ही होते हैं ना सिखाने वाले। बट पेरेंट्स का ये रिएक्शन था। लेकिन मैं बहुत फ्री माइंड होके चलने लगी, मुझे लगा कि नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे ऐसे ही चलना है। जो लोग मुझे कहते थे मैं उनको आज बहुत थैंकफुल बोलती हूँ, इसलिए क्योंकि वो जो नेगेटिविटी डाल रहे थे मेरे अंदर उसका अपोजिट हो रहा था, वो पॉजिटिव वे में मैं लेके जा रही थी। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी जीने की, अपने आप एक स्ट्रेंथ। जब तक आप खुद को बाहर नहीं निकालेंगे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है, कोई आपको समझ नहीं सकता है, तो आपको खुद निकालना होगा अपने आप को बाहर। ऐसा मैं विक्टिम बन के नहीं जीना चाहती थी, मैं एज अ सर्वाइवर बन के जीना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ क्राइम हुआ है, किया गया है मेरे साथ क्राइम, मैंने अपने साथ कोई क्राइम नहीं किया है, तो मैं क्यों अपना फेस कवर करके चलूँ। मैं फ्री होके चलने लगी। फिर ऐसे ही लगातार मैं अपने कोर्सेज करने लगी। 2012 में फिर से एक चैलेंज मेरे साथ था, मेरे भाई को TV हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगा, तो वो मुझसे 3 साल छोटा था और वो उस टाइम पे 19 का था। तो फिर मेरे को यही फील हुआ कि मतलब अब ये क्या हुआ, अचानक पापा के साथ भी यही रहा कि बेटी के साथ तो ऐसा हुआ, अब बेटे के साथ भी ऐसा हो गया, वो नहीं बचेगा। तीसरे दिन पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। मेरे घर में सिर्फ वही एक पर्सन थे जो अर्न करते थे,
और मेरे घर में कोई नहीं था। मेरा भाई हॉस्पिटल में था, मेरी मम्मी लेके उसको पड़ी थी और मैं जॉब ढूंढ रही थी, बहुत जगह जॉब ढूंढ रही थी, बट मुझे कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मेरा फेस खराब था। लोगों से मैंने ये बोला, मुझे कॉल सेंटर में जॉब दे दो यार, तो उन्होंने मुझे कहा, लोग आपका चेहरा देख के डरेंगे। अरे कस्टमर चेहरा थोड़ी ना देख रहा है, फ़ोन में ही तो बात करनी है। बट नहीं, उनके लिए तो ये था कि लोग आपको देख के डरेंगे। ठीक है, मैंने सोचा कि चलो मैं टीचिंग कर लूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लूँ, लेकिन आसपास के लोगों ने कहा बच्चे आपको देख के डरेंगे। फिर मैंने कहा कि चलो मैं स्टिचिंग करके आगे कुछ कर लूँ, लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। ब्यूटिशियन की तो बहुत दूर की बात थी कि कोई सैलून में क्या मुझे जॉब देता, क्योंकि ब्यूटी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर नहीं हो पाया। 2013 में आलोक जी ने स्टॉप एसिड अटैक्स करके कैंपेन स्टार्ट किया था 8 मार्च को। अब हमारे कैंपेन को 4 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। और मुझे काफ़ी जर्नलिस्ट ढूंढ रहे थे, बट क्योंकि मैं घर में थी, किसी मीडिया के सामने नहीं आती थी, किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत वैसा हो गया था। बहुत सारे लोग मेरा इंटरव्यू लेके चले गए, लोगों ने जॉब के लिए मुझे कहा, लेकिन किसी ने मुझे जॉब नहीं दिया। मैं काफ़ी उस एंगल से परेशान थी कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ। देन फिर जब मुझे एक जर्नलिस्ट ढूंढते ढूंढते आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें आलोक से मिलवाऊंगी, वो एसिड अटैक पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ तो हो सकता है। तब मैं उनसे मिली और उसके बाद सबसे पहली चीज़ उनको मेरे अंदर यही अच्छी लगी थी, जब वो मुझसे मिलने के लिए आए 14 मई 2013 में, तो मैं बिल्कुल फ्रीली राजीव चौक पे एकदम फ्री होके अपना फेस ओपन करके उनसे मिलने जा रही थी। और उन्होंने बोला कि एज अ फर्स्ट सर्वाइवर आप थी जो फेस ओपन करके और इतना मस्त होके आ रही थी, इससे पहले मैंने कोई सर्वाइवर ऐसे नहीं देखा था। तो मेरे अंदर एक और स्ट्रेंथ जागी कि मतलब किसी ने तो मेरी तारीफ़ की और कोई ऐसा पर्सन, इतने यंग लोग, 24 ईयर के थे वो जब उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया, कुछ चंद लोगों ने और यंग लड़कों ने। लोगों ने उस टाइम पे मुझसे बोला कि लक्ष्मी आपको इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपको लड़कों से नफरत नहीं होती है। तो मेरा उन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, जो पुलिस मेरी हेल्प कर रही है वो भी लड़के हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी लड़के हैं, जो घर में मेरे भाई और मेरे पापा है वो भी लड़के, आप बताइए किस किस से नफरत करूँगी। तो उस वक्त में ऐसे ही बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें चलती रही, मैंने कैंपेन ज्वाइन किया, लकली मुझे कैंपेन में ही जॉब मिल गई और उसके बाद मैंने फिर अपनी जॉब स्टार्ट की कैंपेन से। और आज हमारा कैंपेन इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग बहुत सारे सर्वाइवर्स मिले। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर अपने एनजीओ में सर्वाइवर्स को देखा, 5 सर्वाइवर को, तो उसमें से कुछ सर्वाइवर थी जो आप ज़िंदगी भर नहीं देख सकती है, कुछ सर्वाइवर ऐसी है जो एक आँख से देख सकती है, एक आँख से नहीं देख सकती है। मैं अपने आप को बहुत लक्की मान रही थी क्योंकि मैं देख सकती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त में कि मैं देख सकती हूँ। लेकिन दुख इस बात का था कि मैं ये सोच रही थी मैं इस दुनिया में एक ही लड़की हूँ जिसके साथ ऐसा अटैक हुआ है, जिसका चेहरा खराब हुआ है, और कोई लड़की नहीं है उनसे मिलने से पहले। लेकिन जब हम बैक टू बैक एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, मिलने लगे, तब मेन प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम आती है हम लोगों की जर्नी में। क्योंकि एसिड अटैक सिर्फ एक लड़की या एक लड़के पर नहीं होता है, उसके पूरे परिवार पे होता है, उसके पूरे परिवार को जूझना पड़ता है। तब समझ में आया, लोग जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, रेप केसेस क्या है, लोग ये नहीं जानते कि एसिड अटैक वायलेंस क्या है। एसिड अटैक वायलेंस वही लोग जानते थे जिसके ऊपर हुआ है, जिसके आस पड़ोस में एक सर्वाइवर रह रही है एक विक्टिम बन के। वो सब कुछ आज एकदम क्लियर हो गया है। आज सर्वाइवर्स खुद बाहर आती हैं, अपने बात को प्रेजेंट करती है, चेहरा कोई नहीं ढकता है, आज हर कोई फैशन शो में जाता है, अपने आप को फ्री कर चुका है हर सर्वाइवर। जब फर्स्ट जर्नी में हमारे साथ ये हुआ, जब हम इंटरव्यूज देने जा रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तब हम लोग का चेहरा ब्लर कर दिया जाता था, तब हम लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया मीडिया फ्रेंड से कि आप लोग हमारा चेहरा क्यों ब्लर कर रहे हो, जब हम ही लोग नहीं चाहते हैं तो।
क्यों कवर कर रहे हो हम लोगों को? हम लोग नहीं चाहते हैं। हमने थोड़ी ना क्राइम किया है, जिसने क्राइम किया वो अपना चेहरा ढके भाई। तो प्रॉब्लम यह है कि किसी को जॉब नहीं मिलती थी, और कैसे अर्न, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों को बोझ माना जाता है। जब उसका जन्म होता है तभी से वो एक बोझ मानी जाती है। बहुत लकली कोई घर ऐसा मिलता है जिसमें लड़कियों को बहुत अच्छे से परवरिश दी जाती है, लेकिन बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें होती गई। और उसके बाद हम लोग रिहैबिलिटेशन पे काम करने लगे। तब हम लोगों ने एक शिरोज़ हैंग आउट करके कैफ़े स्टार्ट किया। हीरोज़ होता है उसका, हम लोगों ने शिरोज़ किया। जब हीरोज़ हो सकते तो शिरोज़ क्यों नहीं हो सकते हैं। तब शिरोज़ करके हम लोगों ने कैफ़े स्टार्ट किया। ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा कैफ़े है जिसे एसिड अटैक फाइटर खुद रन कर रही है, उसकी ऑनर वो खुद है। हम लोगों ने आगरा में स्टार्ट किया था ये टेस्टिंग पे कि देखते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी थी। लोग नहीं जानते थे कि एसिड अटैक क्या है। लोग बहुत, मतलब बहुत अजीब तरीके से देखते थे, लेकिन आज हम लोग जब रोड में चलते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वही लोग जो हमें देखना ही नहीं चाहते थे, आज लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। आज लोग चाहते हैं कि हम लोग उनसे बात करें, उनकी शादियों में आए। पहले ऐसा नहीं होता था, आज इतना चेंज आया है कि शादियां होने लगी है सर्वाइवर्स की, क्योंकि कोई अब विक्टिम नहीं रह गया है, हर कोई फाइटर हो गया और सर्वाइवर हो गया है। फर्स्ट हमारा कैफ़े जो आगरा में, आज उसे छोटा ताज कहा जाता है, और उसको 2 साल हो गए, वो पे एज यू विश पे चल रहा है। लकली वो अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। सेकेंड हमारा लखनऊ में है। जब अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने आगरा वाले कैफ़े पे विज़िट किया और उन्होंने देखा कि सर्वाइवर्स के साथ सामने सामने देख के कि उनको फील हुआ कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट चलता है, सब कुछ। तब उन्होंने हमें एक स्पेस दिया लखनऊ में, गोमती नगर में। वहाँ पे भी हम लोगों ने शिरोज़ हैंग आउट ओपन किया। वो नेक्स्ट मंथ, उसको भी 1 साल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने उदयपुर में स्टार्ट किया ये कैफ़े। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आज ये एक मुद्दा बन चुका है। आज कोई विक्टिम नहीं बन के जी रहा है, हर कोई सब बाहर आ रहे हैं, अपने अपने ड्रीम को आगे वो पूरा कर रहे हैं। हमारे कैफ़े में सबसे अच्छी बात ये है, जो भी सर्वाइवर आती है उनका जो भी ड्रीम होता है, हम कहते हैं कि आप उसको फोकस करो। हम कोई उनको कोई ऐसा काम नहीं सौंपते कि आपको यही काम करना है। जिसको जिसका जो ड्रीम है वो वही करेगा। छोटा सा कैफ़े है, उसके अंदर एक छोटा लाइब्रेरी है, और मुझे यहाँ पे आके अपनी बात शेयर करके बहुत मज़ा आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।